जिज्ञासा के माध्यम से खुशी दस टी आर एस क्लिप्स हिंदी हैपीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी दोस्तों शायद आ, आपके सारे गाने आपके लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं अभी मुझे कुछ कही कुछ आर्टिस्ट के लिए बिल्कुल बिल्कुल अभी मुझे भी कहीं भी वैसे ही है हाँ वॉज गोइंग टू यू माई नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पता था ये इंटन ओके मतलब मैं लिटरली मेरे ऐसे ऐसे हो जाता है कभी कभी मेरे को नेक्स्ट सामने वाला क्या बोलने वाला था मालूम पड़ जाता है कभी कभी ये गाने की वजह से हुआ अकॉर्डिंग टू मी मतलब आई फील की कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ क्योंकि आप कॉन्सेंटली उस मेडिटेटिव स्टेट में जाकर गा रहे हो रणवीर ये भी नहीं है मैंने बहुत सारे मुझसे ज़्यादा तैयार और बहुत ज़्यादा सिंगर को बहुत बेवकूफ़ी वाली बातें करते हुए देखा है कला का समझ से कोई समझ नहीं है कला किसी एरोगेंट इंसान को भी मिल जाती है वो भी ऐसे गा रहा होता है कि लगता है ये भगवान सुनने वाले हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं उसको सिर्फ घमंड ही हो रहा है मैं नाम मैं बिना कभी होंगे तो मैं नाम लूँगा तो वह बताऊँगा मैं ये बात ये तो अलग है कला का आ, समझ से या विजडम से कोई संबंध नहीं है ऐसे बड़े बड़े कलाकार को मैंने ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातों को करते देखा है कि शर्म आ जाती है यहाँ कह, कह सकता तो मैं कहता मैं कभी जब हम मैं खताऊँगा तो हैरान हो जाओगे कि, कि किस कलाकार ने क्या बकवास किया और रियाज उसने हमसे ज़्यादा किया होगा म्यूज़िक के मामले में वो हमसे ऊपर होंगे मैं वही नहीं बनना चाहता था मैं वही मुझे क्रॉनिक सिंगर नहीं बनना hmm. मुझे अपने ऊपर अपने गांठे खोलनी थी मुझे ज़िंदगी में मेरी जो गांठे हैं एनवी की जेलसी की आ, एंगर की वो हैं अभी भी वो जब तक मैं सोनू निगम हूँ ना तब तक वो रहेंगी मुझे पता है वो कभी भी वो जब मैं मरूंगा तब मैं उसे खा लूँगा कोई भी इंसान बड़े बड़े लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे वक्ता उन्हें बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं मैं मानता हूँ जैसे ओशो मेरे उस्ताद हैं ओशो मेरे गुरु हैं मैं उनकी हर बात को समझ पाता हूँ पर उनके जीवन में जो उन जो उनका जो जो रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ बट आई डोंट जज हिम फॉर देट हिज ह्यूमन बींग वैसे ही जब तक मैं हूँ मेरे अंदर में वो सब खलिश थोड़ी बहुत रहेगी खलिश नहीं कह सकते गांठें रहेंगी hmm. तो उस पर मुझे काम करना है लेकिन इसका कोई संबंध मेरे गाने से या रियाज से नहीं है ये मेरी अपनी अनुभूति से है मैंने औरों से क्या सीखा मैंने किताबों में क्या पढ़ा मैं क्या सुनता हूँ चाहे वो पॉडकास्ट में हो चाहे वो और चीज़ों में हो मैं क्या सुनता हूँ उस पर डिपेंड करता है सर म्यूज़िक की शेल्फ़ लाइफ शायद मूवीज़ से भी ज़्यादा लंबी रहती है अकॉर्डिंग टू मी मूवीज़ की शेल्फ़ लाइफ भी बहुत ज़्यादा रहती है पर म्यूज़िक की शेल्फ लाइफ शायद इट इट कैन टू हंड्रेडिंग अभी तो हमें देखना बाकी है अभी तो जाके ऐसी प्रणाली आई है जहाँ हम म्यूज़िक को रिकॉर्ड कर पाएंगे कर रहे हैं मतलब और उसको रख पाएंगे पोस्टर तक इसके पहले तो ये दुनिया थी ही नहीं सिर्फ रात जो हम बंदिशें गाते हैं कुछ हमें मालूम है कि ये मियाँ की मल्हार की बंदिश है तो कहते हैं कि तानसेन मियाँ ने बनाई थी इसे तो हम अभी भी सुनी सुनाई बातें हैं है कि नहीं हमें क्या पता इट्स लाइक रिलीजन हमें हम किसी और की बात को सुन के लड़ते हैं रिलीजन पे हमारा धर्म ये हमारा मज़हब ये तो ये भी बातें वैसी है सुनी सुनी बातें मान लेते हैं अब फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमैनिटी हैज़ रिकॉर्ड्स कि ये गाना 1951 में ही रिकॉर्ड हुआ था शकील बदायू ने नहीं लिखा था नौशाद ने ही बनाया था और मोहम्मद रफ़ी ने ही गाया था तो अब देखा जाए कि पाँच साल के बाद में ये गाने कितना पाँच साल के बाद में लोग याद करेंगे कि 500 साल पहले 1951 में ये गाना ऐसे आया था या 2003 में सोनू निगम ने जावेद अख्तर ने शंकर सलो ने कल होना हो में गाना दिया था ये 600 साल के बाद में ये रहेगा लोग याद करेंगे या नहीं दैट्स फॉर देम टू सी आई मीन जो आप कह रहे थे कि आपकी लाइफ का पर्पज़ ये है कि आपको वो नाट्स खोलनी है गांठे खोलनी है तो ah. I, I mean, just... है, नहीं है, एक निरंतर एक वो है मतलब एक एक क्रियाज है जो मैं करता हूँ अंदर ये दुनिया भी देखेगी नोटिस करेगी इसे स्पेशली हम जब मैं चला जाऊंगा जब आप चले जाओगे, hmm. उसके सौ साल बाद ये इंटरव्यू रहेगा ah. गाने रहेंगे hmm. लोग गेज करेंगे कि ओके दिस इज दिस वॉज द आर्टिस्टिक जर्नी ऑफ दिस सोल ये मैं मानता हूँ कि एक आर्टिस्ट का पर्पज होता है कि पीछे कुछ ऐसे छोड़ दो जो दुनिया को बदल दे आपके बाद और <laughs> इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई थिंक कि मेरे में कलोना हो Hmm. की से कुछ बदला है <laughs> uh, मैं बात नहीं करता था उनसे बट वो मूवी देखने के बाद uh, गाना सुनने के बाद मैं बहुत क्लोज हो चुका हूँ मदर टू मी नाउ बट आई फील की म्यूजिक का ये रोल रहता है किसी की लाइफ बिल्कुल म्यूजिक का कोई भी आर्ट फॉर्म का चाहे वो लिखावट हो अच्छी पोइट्री हो शेर शायरी हो अगर अच्छे लेवल की होगी तो वह आपके रूह को कहीं ना कहीं स्टर करेगी वो ऊपर ऊपर के लेवल पर होगी तो फिर आप एंजॉय करेंगे ग्रूव टू इट यू चिल इट्स चिल हो जाएगा लेकिन जब कोई चीज़ गहरी बनती है तो वो शडर्स देती है अंदर तो थैंकफुली ऐसी कई चीज़ें मेरी जिंदगी में हुई है आई एम वेरी हैप्पी किस्मत है भगवान ने बहुत अच्छी दिया है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर आई हैं अभी भी जैसे जो हम अभी काम कर रहे हैं जो बिटर बिट्टी गाना आया है या इसके पहले मैंने लाल सिंह चड्डा में जो गाना गाया है अच्छी शायरी है अच्छे गाने हैं अच्छी अच्छी फीलिंग है सो आई बीन लकी गॉड इज स्टिल गिविंग मी गुड वर्क एंड क्लासी वर्क ओके इस लूप को एंड करने के लिए मैं अभी मुझ में कहीं के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूँगा आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा था, था? मेरी मम्मी जाने वाली थी उस समय और मैं मेरी मम्मी को जैसे आप अपनी मम्मी को हर कोई इंसान अपनी माँ को बहुत प्यार करता है मेरी माँ अच्छी औरत थी बहुत बहुत उन्होंने सिखाया थैंक यू बोलना स्माइल करना लोगों को पैर छूना और अपने काम पे मेहनत करना हनुमान चालीसा याद करना ऐसी चीज़ें जो हमारे ज़िंदगी में एक एंकर बन के आई हर उसमें सिद्धि विनायक जाना हर मंगलवार को जो शुरू में ग्यारह दिन तक ऐसे करना तो फिर बारहवें हफ्ते कुछ होगा ऐसी ऐसी बातें मम्मी ने बताई तो कुछ यार भीज इंटरनल इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ तो वो बेचारी बहुत तड़प तड़प के कैंसर में गई हैं तो जिन दिनों ये गाना आ, आया आ, मैंने जब गाया था तब तो बीमार थी ही ऑलरेडी वो बट शी वॉज स्लाइटली इम्प्रूविंग दे वॉज सम होप लिटरली तब अभी मुझ में कहीं बाकी उसके बाद में वो जब वो गाना आया तो शी वॉज तब कोइंग डाउन हेल तो मुझे सारे काफ़ी अवार्ड्स मिले थे एक अवार्ड को छोड़ के तो मैं हर बार आता था मम्मी बिस्तर में बैठी थी ऐसे मुँह पतला हो चुका था मम्मी को मैं ऐसे अवार्ड लग देता था हाय बेटे हाय बेचे बेटा और हम रोते थे कि जा रही है देखो बस कुछ टाइम के लिए मेहमान है वो मानने को तैयार नहीं था दिल उस समय बहुत दुखी टाइम था मेरे लाइफ का उस समय मैं शोज़ के पहले रोता था क्योंकि कॉन्सर्ट्स तो करनी पड़ते थे मुझे हमेशा मेरा काम ही ये है भगवान ने मुझे इसलिए पैदा कर रखा है कॉन्सर्ट पर जा रहा हूँ रो रहा हूँ फिर आ रहा हूँ वापस रो रहा देन आई रियलाइज दैट डे यू नो ओ गॉड यू लाई इन माई वर्क तू तू मेरे काम में रहता है यार जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं सब भूल जाता हूँ उतरता हूँ तो मम्मी याद आती है स्टेज पे जाता हूँ तो फिर सब चल रहा है जंप मार रहा हूँ डांस कर रहा हूँ खुश हो रहा हूँ लोगों को हंसा रहा हूँ जोक कर रहा हूँ तो वो सब चेंजेस में तर, तब मालूम पड़ा कि स्टेज पर जाके मैं क्या होता हूँ स्टेज के पहले मैं क्या होता हूँ माँ के साथ में क्या हूँ और कुछ घर में भी चल रहे थे मेरे पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम इशू चल रहे थे गंदे वाले इशू चल रहे थे तो वो थोड़ा मेरा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था जब ये गाना आया था ओके okay? hmm. जब आप ऐसे गाने गाते हो आप विजुलाइज क्या कर रहे हो तो विजुलाइज़ नहीं करना पड़ता यू डीप पर्सन आई अंडरस्टैंड अपने आप को खोना पड़ता है खोना पड़ता है वो फिर देना पड़ता है एक टाइम था जब हम लोग टेक्निक पे जाते थे अब uh, मरना पड़ता है उस <laughs> उस समय के लिए मरना पड़ता है कि तू दे मालिक अभी मैं लेटमी बी ए लेट मी बी ए मीडियम मुझे तुझे आउटस्मार्ट नहीं करना अब वो कल होना से पहले तक मैं करता था देन आई लर्नड ग्रेजुअली किसी काम में विलीन हो जाना टाविज्म में भी कहते हैं ना वर्क बिकम्स द वर्कर एंड द वर्कर बिकम्स वर्कर वाह सिंगर बिकम्स अ सॉन्ग एंड द संग बिकम्स अ सिंगर तो अब मैं उस स्थिति में हूँ मैं अब उस स्टेज में हूँ कि मैं जब मैं अपने काम में घुसता हूँ जो कि हमेशा घुसता हूँ मैं अब मैं सोचता नहीं हूँ मैं खुद बोलता हूँ दे तूने पैदा किया है तूने काम दिया है तू ही देगा तू ही लेगा तू ही कुरान में कहते हैं वतु इज़्ज् मंतशा व तो झल्ल्लुमंतशा तू इज्ज़त देगा तू ज़िल्लत देगा इज़्ज़त दी तूने तूने जिल्लत दी तेरे पे है मेरा काम अच्छा करना तेरे पे डिपेंडेंट है अभी मैं अमेरिका में प इट शॉर्ट सुधर मेरा पहला क्योंकि आप, आपके आंसर्स बहुत लंबी नहीं होते थे मैं, मैं जानता हूँ आई शुड नॉट भी आंसरिंग थिंक लोगों आपकी बातें सुननी है तो खुल <laughs> के बता दो तो हमने अभी नौ नौ सिटी टूर किया अमेरिका में अमेरिका में अभी मैं आया कुछ पंद्रह बीस दिन पहले मैं आया था बहुत ही डिवाइन टूर बहुत ही अच्छा टूर कई शोज में शो के बाद में आके फुट फूट के रोता था मैं कि ये क्या हो रहा है ये क्या मतलब तूने क्या कर्म किया सोनो निगम ये जो तू देख रहा है फोर्टी सिक्स ईयर्स से तू स्टेज पर गा रहा है इकतीस साल से तो मुंबई एंजॉय कर रहा है इकतीस मतलब नहीं बत्तीस साल से मैं मुंबई आया हुआ हूँ और मैं आज भी इन्जॉय कर रहा हूँ लोग खड़े होकर रो रहे हैं मैं गा रहा हूँ इसके पहले वो चिल्ला रहे थे डांस कर रहे थे और मैं खाड़ा मैं गा रहा हूँ और ये ख़त्म किया शो मैंने और सब रो रहे ऐसे रो रहे हैं लास्ट शो में लॉस इंजलिस में शो था मैं, मैंने बोल दिया वही कि मालिक तू देगा मैं अपना बेस्ट दूंगा शो खत्म हुआ स्टेज में मैं गा रहा हूँ और ऐसे गाते गाते मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं मैं कंट्रोल कर रहा हूँ पब्लिक दिख रही है। और चला रही है और चला रही है एंड आई कुड कंट्रोल मैंने बोला अब मैं पीछे जाके कर मैं गया कंट्रोल तो मेरा प्रमोटर दर्शन जी ने पकड़ा मुझे <laughs> तो रो रहे वो रो रहे हैं भैंकर मैं भी रो रहा हूँ फिर मैं गया रूम में जाके भी रोंगा रूम में गए तो पापा बैठे हुए थे पापा के सामने कैसे रोएंगे पापा ने भी पापा और मैं ही गा रहे थे उस शो पर पापा हाँ अरे बेटा वेरी गुड शो बोला आप यहाँ हो वरना अभी मैं रोता अरे नहीं 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 समझ सकते हैं इतना शो करते हैं वो सडनली ऐसी वन ऑफ माई बेस्ट मेरा बेस्ट फ्रेंड जो संजय चितले वो आ रहे आंखों में आंसू लेकर रणबीर वो सीन अगर कितने रिकॉर्ड किया होता ही केम विद आइस एंड आई स्टार्ट मैं रो रहा हूँ वहां पे दर्शन जी रो रहे हैं वहाँ पे प्रीतो जी रो रही है रॉकी रो रहे हैं यहाँ पे संजय चितले रो रहे हैं बंटी बहल मेरे मैनेजर वो रो रहे हैं द होल रूम वॉज क्राइंग इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा काम का जिस काम में आपको खुशी मिले वो तो अच्छा है ही जिस काम में खुशी के साथ आपके आंसू ऐसे बहें इससे बड़ी डिविनिटी लाइफ में क्या हो सकती है ये स्टेज है हमारे इस समय बीइंग का जो मैं काम कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग अभी मैंने मराठी गाना कर रहा था मैं चार चार पाँच दिन पहले वो गाने का मैंने एक आलाप लिया लास्ट का मैं ही मैं ही विफल गया मुझे मालूम है मैं क्या क्या हो क्या रहा है ये मैं नहीं कर रहा ये मुझे मालूम भाई हो क्या रहा है आई स्टार्ट आज दिन टू द माइक्रोफोन मैं पीछे गया मैं पहले खूब रोया।, रोया फिर में मैंने लास्ट के चार लाइन गए ये स्टेट ऑफ बींग चल रहा है काम का इतना अच्छा है कि अब तो मृत्यु भी स्वीकार जब मात खड़ी उस पार। <laughs> फ्लो स्टेट के भी लेवल्स होते हैं और एज के साथ शायद आप डीपर फ्लो स्टेट फ्लो स्टेट्स तक पहुंच रहे हो आई डोंट नो एज के साथ में लेकिन हाँ समय के साथ में मैं कहूँ एज तो मैं इस, मतलब मैंने तो बहुत सारे बड़े बड़े ऐज के लोगों को मैंने इतनी बचपने वाली बातें करते हुए देखा है बट हाँ समय के साथ में मैं कहना सही समझूंगा समझूँगा कि मैं जिस उम्र में हूँ उसकी बात उसकी वजह से नहीं लेकिन ओवर द ईयर्स जो मेरे अंदर में जिस तरह मैंने अपने आप को अलाउ किया है नेचर को मुझे ट्रीट करने के लिए जैसे किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं गिव मी दिस मेडिसिन नाउ यू इंजेक्ट मी दिस इंजेक्शन हम क्यों बोलेंगे डॉक्टर को भाई डॉक्टर के पास गए क्यों हैं हम तो मैंने अपने आप को नेचर के सपोर्ट कर दिया है तू बता क्या ठीक है मेरे लिए मैं तुझे नहीं बताऊंगा मुझे क्या चाहिए मैं तुझे बताए नहीं कि औकात ही नहीं मेरी कि मुझे कहाँ जाना है पाँच साल के बाद मुझे क्या करना है तो दो चीज़ें होती हैं वो कहते हैं हम पढ़ते हैं ना वो सीक्रेट कि आपने जो सोचा मैनिफेस्ट कर दिया होता होगा होता है शायद मैं सिंगर बनना चाहता था तो मैं बन गया अब चॉइस आप हाँ पे है आपको डॉक्टर को बताना है ठीक होना कैसे ठीक होना या आपको देखना है कि डॉक्टर मुझे कैसे जल्दी ठीक करेगा आई विल रा नाउ अलाउ नेचर टू टू लीड मी मैं अब तैरूँगा नहीं hmm. मैं बहूंगा नदी अगर यहाँ जा रही है मैं तैरने के लिए वहाँ जाना चाहता रहा हूँ तो मैं नहीं मेरे को जाना था वहाँ पे लेकिन नदी मुझे यहाँ लेके जा रही है ना मैं जाऊँगा नदी यहाँ जा रही है मैं सिर्फ फ्लो करूँगा मैं मुझे नहीं लड़ना नदी से मुझे यहाँ नहीं जाना जाना था मुझे लेकिन उसने मुझे बोला कि यहाँ तू नहीं चलेगा किसी कारण से वो लेके जा रही है मुझे समंदर की तरफ तुझे अल्टीमेटली समंदर में मिलना है ना ब्रह्म में मिलना है ना तो मत लड़ वो वहीं जाने वाली है जहां तुझे जाना है जहां तुझे जाना चाहिए मत लड़ मत तेर मैं उस स्टेट में होगी। दोस्तों टीआरएस हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टी आर एस हिंदी बहुत जल्द